सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी जिला के बिलवार में और यहाँ पर कुछ नौजवान साथी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे पास साथ में यहाँ के समिति भी हैं, इनकी पत्नी खुद समिति बनी है, नए कह सकते हैं जनप्रतिनिधि है ये। क्या वजह है इनको जिताने की, यहाँ पर नौजवान है, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? यही घर है जी। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। किस क्लास में? बीए पार्ट टू। तो वोट दिए थे इस बार जी? इनको बनाए थे समिति? क्यों? क्योंकि शिक्षित है। क्या आगे काम करे पंचायत? क्या कुछ उम्मीद है इनकी? उम्मीद है। क्या उम्मीद? तो ऐसा तीन काम बताइए जो आप इनसे चाहते हैं। आप बताइए कोई तीन काम जो इनसे चाहते हैं। तीन काम यह है कि उनसे पहले कि हम लोग मांग किए हैं कि गांव में नाला होना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी इस रास्ते से गुजरते हुएगा तो देखते हुएगा आज से नहीं कई सालों से यहां पे पानी जमती है, जिसके कारण स्कूल तक जाने में बच्चे लोगों का स्कूल ड्रेस खराब हो जाता है, उसके कारण टीचर से मार खा के वापस आना पड़ता है। तो उन्होंने ये बताया कि हम अपने 5 साल की सत्ता में नाला बनवा देंगे। दूसरी बात उन्होंने ये भी बताया कि हर पोल पर लाइट लगवा देंगे, और जो उधर गली वगैरह का जो सड़क रह गया है वो सड़क हम बनवा देंगे, ये काम करवाएंगे। ये सब उम्मीद है, और ये सब उम्मीद इसलिए है कि जो शिक्षित लोग हैं वही लोग कर सकते हैं। पहले जो थे उन्होंने कुछ किया कि नहीं? पहले जो किया उन्होंने कुछ नहीं किया, तब तो अभी उस पर को वोट दिया, अगर वो करता तो उसको हराने की कोई उम्मीद ही नहीं बनती थी। फिर उसे मोहम्मद हफीजुल अहमद, हम अभी कंपाउंडर का काम करते हैं। चलिए अच्छी बात। आप सब यहीं के हैं जी? पांच सवार हैं। तो मुझे क्या करें, हम तो राजमिस्त्री काम करते हैं। तो इनको बना है समिति, बहुत खुशी है। तो भाई को समिति बनाया है, आगे जो थे वो भी काम किए, ये नहीं कह रहे कि वो नहीं किए, जो अपना उनको समझ में आया वो किए, लेकिन उम्मीद चेंज करने का है कि हमारे आप नया किए हैं तो वो और अच्छे करके दे, यही उम्मीद रखे हैं। तो आप आगे इनकी मर्जी है, उनके जैसा करे या ना करे, समझ गए। आप क्या नाम? एमडी राजू। राजू क्या करते हैं? पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ते? 12वीं क्लास में अकाउंट का। अकाउंट बनवाना नहीं है हमारा, एक्चुअली हमारा काम करवाना है। वार्ड नंबर 7 में बहुत काम पीछा हुआ है, हम वही चाह रहे हैं कि अच्छा से अच्छा काम करें। कौन सा काम? पहला समस्या तो हमारे गांव में नाला नहीं बन पा रहा है, इसके कारण इतना पानी लगा रहता है, तो इसी के कारण पहले बोल दिया हम लोग कि भाई चुनेंगे तो नाला ही बनाना पड़ेगा। नाला बनाने के लिए? हाँ, पहला काम वही है। बनवाने वाले हैं कि नहीं नाला? देखिए नाला तो वो तो जो सरकारी फंड है वो तो होना ही है, बट मेरा मकसद ये है कि मेरे मोहल्ला में अभी भी थोड़ा पढ़े लिखे कम आदमी है। मेरा मकसद ये है कि आज भी वो जो प्रोग्राम हो रहा है, जलसा जो हो रहा है, जो माओ बहनें भी अभी भी थोड़ा शिक्षित नहीं है, जिसके कारण बच्चे के परवरिश में नहीं हो पा रहा है सही से, जिसके कारण बच्चा पढ़ नहीं पा रहे हैं। और पहली फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि ज़िंदगी में जो कम से कम शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही पता चलता है कि हम किस तरह जीना है, किस तरह रहना है, ताकि हमें आने वाले ज़िंदगी में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। वो कब होगा? जब क्या कहता है पढ़ाई करेंगे तब। पढ़ाई करने से ये फ़ायदा है कि आपके बच्चे भी पढ़ेंगे लिखेंगे और डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, बहुत सारे आलिम दीन बनते हैं। इस कारण बच्चे, इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया कि माओ बहनों अपने बच्चों को परवरिश करें, अच्छे से ढंग से पढ़ाई लिखाने का समय दे, स्कूल मदरसा भेजे, ताकि हम लोग अभी मोहल्ला डेवलप हो। मोहल्ला नाला की बात रह गया तो नाला तो हम लोग लिख के दिए हैं, आवेदन दिए, फंड लिख के दिए हैं, जो हम लोग के पास भी नाला बहुत दिनों से नहीं बन रहा है। बहुत सारे नेता भी आते हैं नहीं बना पाते हैं, बहुत दिनों से हम लोग का विधायक भी लोग को भी कहा गया, वो लोग भी नहीं कुछ कर पाए, बट मैं भी अपने स्तर से। आपके फंड से बनेगा? किसी और के? नहीं, वो बनेगा मेरे ही फंड से बनेगा, बट वो अपने, मेरा पूरा कोशिश है कि किसी विधायक के, किसी मंत्री या किसी DM से जिनसे ही मिलना हो, अपना प्रस्ताव रखना है और रखे भी हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द बनेगा। जो उम्मीद है इन लोगों ने आपको चुना है? जी। हम लोगों को जो है सपोर्ट जो है पूरा नौजवान कमेटी, जो कमेटी हमारे बिलवाड़ का, वो लोग और सपोर्ट किया है, समझे, इसका हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं वो ये वादा कर रहे हैं कि जिन वजह से इन्हें यहाँ पे जिताया गया है वो ये काम करेंगे। जो नाला का जो मेन मकसद है, खास करके पूरे हिंदुस्तान में यही चक्कर है कि रोड तो बना हुआ है, नाला बाद में बन रहा है, तो ये कोशिश करेंगे कि नाला बनवा देंगे। एक और साहब है यहाँ पे, और आपका नाम क्या? मोहम्मद शाहिद हुसैन। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम अभी हो रहा है, माइक की आवाज़ आ रही है, किस तरह का प्रोग्राम है ये? तालीमी बरादरी कॉन्फ्रेंस है ना,
ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लेकर के किया गया है, जिसमें स्पेशल महिला पे ही फोकस किया गया है। क्योंकि है क्या कि अगर जिस घर में अगर एक औरत अगर शिक्षित होता है तो उसका सात पीढ़ी जो है ना बदल देता है। तो इसी लेकर के हम सबों ने मिलकर हमारे समुदाय के लोग है ना इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया कि एक औरत का कॉन्फ्रेंस किया जाए और कॉन्फ्रेंस के जरिए से ही है ना ये चीज़ को सुधार लाया जा सकता है। चलिए अच्छी बात है, और कुछ चाहेंगे? जी बस इतना ही। आप हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।